Hello, I am Dr. Puneet Khanna. I am Head of Respiratory Medicine at Manipal Hospital, Sector 6, Dwarka. Winters के आते ही हमारे बुजुर्ग और बच्चे, इनको सांस की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. कुछ ऐसे हमारे पास पेशेंट्स हैं जिनके लंग्स पहले से कमज़ोर हैं, जैसे कि अस्थमा, COPD या ILD के मरीज, जिनको इस सर्दियों के मौसम के आते ही तबीयत उनकी ख़राब होनी शुरू होती है या उनको लंग्स की समस्याएँ शुरू हो जाती हैं. इस वर्ष ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि हमारे यहाँ पे डबल प्रॉब्लम कोविड की है और कोविड के आने से ये दोहरी मार है ऐसे लोगों पे जिनके या तो लंग्स कमज़ोर हैं या जो एल्डरली हैं या जो बच्चे हैं. तो ऐसे में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस विंटर्स में, सर्दियों में हम अपने लंग्स को कैसे बचाएं. जो मेजर हेल्थ इफ़ेक्ट्स हमें अपने विंटर्स में अपने लंग्स पर दिखते हैं वो हैं खांसी होना, सांस फूलना, सांस का भारीपन, छाती की जकड़न, बलगम का होना. ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स हैं जो इस सीज़न में बहुत कॉमन होते हैं. खासकर एल्डरली में ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा है क्योंकि उनके लंग्स मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं विद एज. ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने खाने पीने में बहुत ध्यान रखना है. हमें बाहर निकलने के समय पे और बाहर कैसे जाना है अपने को प्रोटेक्ट करके, इसका ध्यान रखना है. और मोर इम्पॉर्टेंटली हमें अपनी दवाइयाँ बिल्कुल नियमित रूप से लेनी है. मेजर हेल्थ इफ़ेक्ट्स जो एस्थमेटिक पेशेंट्स में इस टाइम पे आती है वो है कि उनकी सांस की जो दिक्कत है वो रात के समय खासकर बढ़ जाती है. उनको अपने इन्हेलर्स रेगुलरली लेने चाहिए. जो उनकी दवाइयाँ हैं प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेडिकेशंस अस्थमा के लिए, वो उनको रेगुलर लेना चाहिए. ऐसे टाइम पे जितना कम हो सके उतना बाहर जाएं. अगर जाना भी है तो दिन के समय जाएं, धूप के समय जाएं. जो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग्स हैं इसमें बाहर ना जाएं, खासकर सैर करने बाहर ना जाएं क्योंकि इस टाइम पे पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, सर्दी भी ज़्यादा है और आजकल तो कोविड का मार भी ज़्यादा है. कोविड के आने से एक दूसरी समस्या ये है कि द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और द रिस्क ऑफ निमोनिया ऑल्सो इज़ वेरी हाई इन दिस पर्टिकुलर सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे सेफ, टू स्टे एट होम, मेंटेन प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, कीप योर मास्क ऑलवेज ऑन एंड नॉट जस्ट वियर इट, यू हैव टू वियर इट प्रॉपरली विद अ वेरी टाइट फिट सो दैट देर इज़ नो लीकेज ऑफ एयर. एंड ऑल द मोर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड टेक आर मेडिकेशंस रेगुलरली. हमें दवाइयाँ बिल्कुल अपनी नियमित रूप से लेते रहना है और अपने आप को बचाव इस मौसम में करना है क्योंकि बचाव से ही सुरक्षा है. थैंक यू.